नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का हमारे YouTube चैनल जगह जानकारी में। सो आज के वीडियो में बात करने वाले हैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से आप लोगों के जो फीमेल कांस्टेबल के जो आप लोग ऑब्जेक्शन आंसर की में जो आप लोग ऑब्जेक्शन भर रहे हैं उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन आई है कि अगर आपने ये गलती कर दी है तो फिर आपके रिजल्ट में जो है वो फर्क पड़ जाएगा। फर्क क्या पड़ेगा क्या नहीं पड़ेगा पूरी इन्फॉर्मेशन आपको लास्ट तक बताएंगे, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि ऐसे लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन हम हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरफ से और हरियाणा पुलिस की तरफ से आप तक पहुँचाते रहते हैं। तो देखिए यहाँ पे मैंने ओपन किया है HSSC के वेबसाइट को। जैसे आप इनवाइटिंग ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे तो एक नया पेज जो है वो ओपन हो जाएगा। इस तरीके से आप लोग देख सकते हैं कि HSSC ऑब्जेक्शन मॉनिटर ऐप जो है यहाँ पे मिलेगा आप लोगों को। यहाँ पे प्रोसीड पे जैसे क्लिक करेंगे तो इस तरीके से आप लोगों का एक मॉनिटरिंग ऐप जो है वो ओपन हो जाएगा, जहाँ पे आप कैंडिडेट नेम, रोल नंबर, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर, एडवर्टाइजमेंट तो आपका सेम रहने वाला है, कैप भी नंबर वन रहेगा, मेल कांस्टेबल GD रहने वाला है। एग्जाम डेट आप लोग अपने हिसाब से शिफ्ट में चूज कर सकते हैं कि कौन से शिफ्ट में आप लोगों का एग्जाम होने वाला है। जैसे मैंने मान लीजिए आपका मॉर्निंग इवनिंग शिफ्ट में शिफ्ट कर लिया, तो टेस्ट सीरीज में टेस्ट कोड देख लीजिए, आप लोगों का दो पेपर रिलीज हुआ था तो मान लीजिए मैंने S1 क्लिक कर लिया, और सीरीज में मान लीजिए मैंने यहाँ पे कोई ABCD या इसमें से कोई भी आप लोगों मान लीजिए L ले लिया, ठीक है। और L लेके जैसे हम इसमें सबमिट करेंगे तो देखिए यहाँ पे कैंडिडेट नेम तो पहले आप लोग फिलअप करेंगे। सबमिट करने के बाद जो मैं आप लोगों को ध्यान से समझिए, सबमिट करने के बाद मैं आप लोगों को बता दूँ कि सिर्फ और सिर्फ आप लोग एक बार ही लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपने लॉग इन किया, आपने सबमिट किया, उसके बाद आपको जिस क्वेश्चन पे प्रॉब्लम है उसके उस पर ऑब्जेक्शन करिए, और ऑब्जेक्शन एक साथ मतलब अगर आपने ओपन किया है तो आप जितने क्वेश्चंस का करना चाहते हैं उसी बारी में आप हर क्वेश्चंस का ऑब्जेक्शन को कर लीजिए, क्योंकि अगर आप दोबारा लॉगिन करेंगे या दोबारा इसे सबमिट करेंगे तो वो सबमिट नहीं होगा। इसलिए बता रहे हैं कि अगर आपने एक बार एक क्वेश्चन पर सबमिट किया और आप सोचेंगे कि देखिए दोबारा हम सोच के फिर सेकेंड क्वेश्चन पर सबमिट करेंगे तो वहाँ पर आप लोग प्रॉब्लम हो जाएगी, सिर्फ एक ही क्वेश्चन के आपको ऐड किया जाएगा। इसलिए ध्यान से समझ लीजिए कि अगर आपने गलती की है तो उसके लिए तो हम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन अगर आपने अभी नहीं किया है तो प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए कि एक बार में सब कुछ कंप्लीट करिए, फिर उसके बाद लॉग आउट हो जाइए, क्योंकि ऐसे ही इन्फॉर्मेशन हम ऐसे पहुँचाते रहते हैं। तो अभी बात कर लेते हैं कि अगर मान लीजिए आपने कर लिया है तो उसके बेसिस पे आप लोग ध्यान दीजिए कि जिन बच्चों का अब उनके ऊपर डिपेंड कर जाएगा कि जो बच्चे सही ऑब्जेक्शन किए होंगे उस बेसिस पे आप लोगों के भी आंसर सही हो सकते हैं। तो ये रहा हमारा इन्फॉर्मेशन अभी के लिए। इसमें बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। वीडियो पसंद आता है प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।